दादाजी, मैंने एक कविता याद की है, क्या मैं आपको सुनाऊं? हाँ हाँ जरूर सुनाओ। तुम्हारी दादी, मम्मी और नीलम भी यही हैं, सब सुनेंगे। आसमान में कितने तारे, नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे, इनमें कोई कल्लू होगा, कोई छोटा लल्लू होगा। अंबर है इनकी पाठशाला, हर तारा है पढ़ने वाला। चंदा इनका मुख्य अध्यापक, सातों सप्तऋषि अध्यापक, मॉनिटर सबका ध्रुव तारा, चपरासी चमकीला तारा, टिम टिम चलती सदा पढ़ाई, पढ़ते हैं सब तारे भाई। रीना ने तारों पर कितनी सुंदर कविता सुनाई। उसने तारों तथा अन्य संज्ञा शब्दों से पहले कुछ शब्द प्रयोग किए जिनसे उनकी विशेषताओं का बोध हो रहा है। आओ देखते हैं रीना ने कौन कौन से शब्द लगाए हैं। नन्हे मुन्ने तारे, प्यारे प्यारे तारे, छोटा लल्लू, सातों सप्तऋषि, चमकीला तारा। इनमें रंगीन शब्द कोई न कोई विशेषता बता रहे हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। अब इन वाक्यों को पढ़ो। राजेश बहुत मोटा है। ग्वाला 5 लीटर दूध लेकर आया। इस कक्षा में 30 बच्चे हैं। रामदास लोभी है। इनमें मोटा शब्द राजेश संज्ञा की, 5 लीटर शब्द दूध संज्ञा की, इस शब्द कक्षा संज्ञा की और लोभी शब्द रामदास संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं। जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे विशेष्य कहलाते हैं। विशेषण शब्द संज्ञा और सर्वनाम की कई प्रकार की विशेषताएं बतलाते हैं, जैसे संज्ञा और सर्वनाम के गुण दोष की। जैसे उस सुंदर स्त्री को देखो, वहां काला घोड़ा खड़ा है, मैंने जहरीला सांप देखा। संज्ञा और सर्वनाम के माप तौल की। जैसे 2 किलो चीनी ला दो, थोड़ा पानी दे दो, मुझे 5 मीटर कपड़ा चाहिए। संज्ञा और सर्वनाम की संख्या की। जैसे आसमान में असंख्य तारे हैं, 2 कुर्सियां रखी हैं, 4 लड़के खेलने जाएंगे। आओ दोहराएं। संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण संज्ञा के गुण, दोष, आकार, संख्या, मात्रा आदि को बताते हैं। विशेषण जिनकी विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं।